नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं देश विदेश और राज्य की सबसे प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला, अफसर और उनके परिवार समेत 7 जवान हुए शहीद। त्रिपुरा की हिंसा का महाराष्ट्र में दिखा असर, 3 शहरों में हुई तोड़फोड़, पुलिस पर भी हुआ पथराव। आगरा में युवती की संदिग्ध मौत के बाद भिड़े 2 समुदाय, पुलिस पर भी किया पथराव और फायरिंग। शिमला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने बढ़ा दी है सुरक्षा। रेल यात्रियों को मिली राहत, फिर पुराने किराए पर चलेंगी 1700 ट्रेनें, बंद हो जाएगा जनरल टिकट। 15 नवंबर से हबीबगंज स्टेशन कहलाएगा रानी कमलापति स्टेशन, मोदी सरकार ने बदला नाम। हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे पीएम मोदी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक में बस यात्रा करते समय मोबाइल स्पीकर पर गाने चलाने पर अब होने लगेगी कार्यवाही। केरल के वायनाड में 11 छात्रों में हुई नोरो वायरस की पुष्टि। राजकोट में सड़क किनारे नॉनवेज की दुकानों पर लगा बैन, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई दम घोटू, सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाइए। वायु प्रदूषण पर सीएम केजरीवाल का फैसला, स्कूल दफ्तर निर्माण कार्य 1 हफ्ते के लिए होंगे बंद। दिल्ली में बढ़ा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2 की मौत, संक्रमण दर भी डबल हुई। पेटीएम के आईपीओ से कंपनी में कार्यरत 350 कर्मचारी बन सकते हैं करोड़पति। आरबीआई ने सोलापुर के एक सहकारी बैंक पर दिखाई सख्ती, अब सिर्फ 1000 रुपए निकाल सकेंगे वहां के ग्राहक। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे अमित शाह स्पा पर साधा निशाना। सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ कोर्ट पहुंची हिंदू सेना, रखी रोक लगाने की मांग। मानहानि मुकदमा, ध्यान दे वांकड़े की याचिका पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली हिंसा में गिरफ्तार लोगों को सीएम चन्नी देंगे 2-2 लाख का मुआवजा। रूसी राष्ट्रपति दिसंबर में आएंगे भारत, उसी महीने पहुंचेंगी S-400 की पहली खेप। यूरोप में बढ़ा सरहदी विवाद, रूस ने भेजे परमाणु बम वर्षक तो पोलैंड ने उतारे ब्रिटिश सैनिक। यूरोप में कोरोना का तांडव, 7 दिन में 20 लाख मामले, सर्वाधिक वैक्सीनेशन वाले क्षेत्रों में भी बढ़ा केस। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से अधिसूचना हुई जारी। नशे के सौदागरों को पुलिस ने दबोचा, नशीली टैबलेट बिक्री करने वाला पहुंचा जेल। ट्रक ने 15 गायों को कुचला, गुस्साए ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र स्टेट हाईवे पर किया चक्का जाम। केरल से आए डेलीगेट पहुंचे जगदलपुर, कहा बस्तर आकर हुआ आनंद का अनुभव। 22 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कवर्धा वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के मामले में कड़ी कार्यवाही, जेसीबी ट्रैक्टर हुए जब्त। रायपुर में मितानिन पर महिला पुलिस का जुल्म, घसीटते हुए परिसर से बाहर खदेड़ा। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, राजधानी के कई इलाकों में पड़ी बारिश की बौछार। केपीएस सरोना में 14 को तारे जमीन पर कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों को सिंघानिया आईटी सॉल्यूशन और अमानत फाउंडेशन की ओर से मिलेगा स्पेशल गिफ्ट। रवि शास्त्री का खुलासा, T20 वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन में नहीं दिया दखल, कोहली भी थे इससे दूर। IPL 2022 मेगा ऑक्शन में KL राहुल समेत 4 प्लेयर सीधे बन सकते हैं टीमों के कप्तान। ICU में भारतीय डॉक्टर ने किया पाक बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का इलाज। दाऊद के गुर्गे रियाज भाटी की पत्नी ने लगाया राजीव शुक्ला समेत 2 क्रिकेटरों पर रेप का आरोप। आर्यन खान का जन्मदिन NCB की पूछताछ में बीता, रात 11:30 बजे तक हुए सवाल जवाब। जूही चावला ने की आर्यन खान के लिए दुआ, कहा भगवान तुम्हें तकलीफों से बचाए। राजकुमार राव और पत्र लेखा की आज हुई मेहंदी सेरेमनी, कल बजेगी शहनाई। बिग बॉस 15 के ईशान सहगल ने तोड़ी चुप्पी, राजीव आदित्य संग डेटिंग पर किया खुलासा। 14 साल बाद अपने पिता के संरक्षण से आजाद हुई पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स। भीख में आजादी बयान पर कंगना का पलटवार, कहा गलती साबित हुई तो लौटा दूंगी पद्मश्री। 19 नवंबर को होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, 600 साल बाद बनेगा खास संयोग। ब्रिटेन में खालिस्तान पर जनमत, NSA अजीत डोभाल ने कहा मंजूर नहीं है ऐसी हरकत। बाड़मेर में निर्विरोध सरपंच चुनी गई मां, तो NRI बेटे ने बनवा दिया 1 करोड़ का पंचायत भवन। सलमान खुर्शीद के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती, कहा RSS BJP ने किया हिंदू धर्म को हाईजैक। रायपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए सख्त निर्देश। विवादों के बीच 15 नवंबर को बाइडेन और जिनपिंग करेंगे बैठक। अफगानिस्तान पर भारत में हुई कॉन्फ्रेंस का तालिबान ने किया स्वागत। SBI के करोड़ों ग्राहकों को लगेगा झटका, 1 दिसंबर से ट्रांजैक्शन होगा महंगा। PF पाने वालों के लिए खुशखबरी, 6.47 करोड़ खातों में पहुंच गया PF का ब्याज। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।